बार बार हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अंतोगत्ता जिस समय मैं लेह लद्दाख की पोस्टिंग में था, वहां पे मेरे पास एक दिन फोन आया बच्चों को कि रात में आज कुछ लोग आए थे और मकान के चारों तरफ गड्ढा खोद दिए हैं, अभी मैं क्या करूं। तो हमने वहां से बच्चों को किसी तरीके से निकाला, बच्चे दोस्त के यहाँ रहे, मैं वहां छुट्टी नहीं मिली, नहीं आ सका। फिर भी किसी ने हमारी बात ना तो किसी इंजीनियर ने सुनने की कोशिश किया, ना किसी ठेकेदार ने कोशिश किया, और हमारे मकान को इन्होंने जो है निस्ता नाबूद कर दिया। ये दर्द है उस सैनिक का जो सीमा पर इसलिए तैनात था ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, लेकिन उसका ही घर तोड़ दिया गया और उसका परिवार बेघर हो गया। ये हाल सिर्फ सेना के रिटायर्ड कैप्टन डीके सिंह का ही नहीं है, बल्कि उनके ही जैसे सूबेदार सी के पाठक, दिनेश तिवारी, रामदेव वर्मा, रामेश्वर दयाल, अजय कुमार पांडे, गजेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, हवलदार महेंद्र सिंह, विनोद कुमार शर्मा, अजय कुमार गुप्ता का भी है। बात साल 2014 की है, जब लखनऊ आवास विकास ने अवैध बताकर सैनिक कॉलोनी में कई मकान तोड़ दिए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। वहीं कई परिवार बेघर होने के डर में जी रहे हैं। लखनऊ आवास विकास प्राधिकरण इनकी जमीन को अपना बता रहा है, जबकि इनका कहना है कि इन्होंने किसानों से 2007 में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। मैं यहाँ पर 2007 से 12-13 साल हो गया था। आए दिन ये जो है कोई आता है, इनका जय आता है, बोलकर चला जाता है आप लोग यहाँ पर अवैध है और जो है इनको हटाकर जो है बुलडोजर से हम गिरवा देंगे। ये बताइए सर कि हम कुछ सेना में रहते हुए जितने जो कष्ट नहीं उठाया है वो कष्ट हम अब उठा रहे हैं। दिल भर आता है सर, वो दिन याद आता है कि अगर उस टाइम पर लड़ाई मैं 99 कारगिल लड़ाई लड़कर आया हूँ साहब, लेकिन वहां पर हमें कोई गोली छू नहीं पाई। हमारा ये जो है दिल की तमन्ना थी कि हमको भी कोई बॉर्डर पर जो है ऐसा मौका मिले तो हमारी उन्नति हो, देश दुनिया जाने। लेकिन हम जब रिटायर होकर आ गए तो उससे भी बदसूरत हमारी हालत करके रखा हुआ है लोगों ने। और ये नोटिस आए कि आपका ये अवैध है, घर अवैध है, आप हटा लीजिए यहाँ से। दरअसल पूर्व सैनिकों और आवास विकास प्राधिकरण का विवाद 15 साल पुराना है। राजधानी लखनऊ में पूर्व सैनिकों ने किसानों से जमीन का एग्रीमेंट कराकर अपने मकान बनवाए थे। साल 2007 में मकानों की रजिस्ट्री भी कराई थी, लेकिन 2010 के बाद आवास विकास ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया। आवास विकास की एक्वायर्ड लैंड है। इस लैंड पे हम लोगों ने जिन किसानों से ये लैंड एक्वायर की उन किसानों ने फर्दर आप लोगों को ये लैंड बेच दी है और किसानों ने ये भी संज्ञान में है कि किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया। बट स्टिल हम लोग कोई ऐसा रास्ता खोज रहे हैं जिसमें ये लोग किसी डेवलप्ड एरिया में रह सके और हमारी जो जमीन है वो भी वहां से अच्छे तरीके से डेवलप रूप में निकल सके। आवास विकास ने साल 2013 में घरों को अवैध बताकर नोटिस जारी कर दिया। 2014 में कैप्टन डीके सिंह समेत कई मकान गिरा दिए गए। अब यहाँ रहने वाले सैनिकों के परिवार हर वक्त इस डर के साये में रह रहे हैं कि न जाने कब आवास विकास का बुलडोजर उनके आशियाने को गिराकर उन्हें बेघर कर जाए, जबकि प्राधिकरण उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की बात कर रहा है। आखिर ये रिटायर्ड फौजी जो देश की सेवा में लगे रहते हैं रात दिन, वो कहां जाए, किसके पास अपनी फरियाद सुनाए। सभी से अपनी फरियाद करके थक चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनके साथ न्याय होता है या नहीं। लखनऊ से योगेश मिश्रा, ईटीवी भारत।